गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पिंकी बैनर्जी। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ कलर टेलीविजन, दैट इज कलर टेलीविजन डिस्प्लेस ट्यूब्स। मैंने ऑलरेडी कलर टेलीविजन एंड ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के सीरीज ऑफ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सो स्टूडेंट्स, उन वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन अ न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड। ओके, आप सभी को नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी रिसीवर के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी रिसीवर। आज हम लोग कलर टेलीविजन के डिस्प्ले ट्यूब्स के बारे में जानकारी लेंगे। कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूब स्क्रीन इज कोटेड विद थ्री डिफरेंट फॉस्फोर्स, वन फॉर ईच ऑफ द चोजन रेड ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरीज। इसका मतलब हो गया कि कलर टेलीविजन के जो पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब का जो स्क्रीन है, उसमें तीन डिफरेंट तरह के फॉस्फोर्स कोटिंग्स रहते हैं। इसके लिए फॉर ग्रीन, ब्लू एंड रेड फॉस्फोर्स रह रहे हैं। पहले हमारा ब्लैक एंड व्हाइट था, तो ब्लैक एंड व्हाइट में हमने देखा था कि वहां पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर्स मिल रहे थे और हमें ब्लैक एंड व्हाइट के जो है वो शेड्स मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। कि हम लोग जानते थे कि हमारा जो जो हमारा पिक्चर था वो पिक्चर पिक्चर जब हम लोग उसको स्कैन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जैसे पिक्चर जब स्कैन होता है तो जहां डार्कर, जहां पर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, वहां वी आर गेटिंग अ डार्क कलर, एंड जहां रेजिस्टेंस कम हो रहा है वहां पर हम लोग को लाइट कलर्स मिल रहा था। दैट मीन्स हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स मिल रहे थे। बट जब हम लोग कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में बात करते हैं, तो हमने रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन तीनों के बारे में बात करना होगा, एंड दीज आर द प्राइमरी कलर्स। हमने ऑलरेडी जो है वो कलर थ्योरी पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी कलर्स रहते हैं, सेकेंडरी कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, और ऑल द वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कैसे कलर्स होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसमीटर में कैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स जो है वो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स जो ट्रांसमिट किया गया है, उसे रिसीवर में कैसे हम लोग पिक्चर स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो ये जो तीन फॉस्फोर्स हैं आर फिजिकली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड ईच इज एनर्जाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव कलर वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द टेलीविजन रिसीवर। तो ये जो तीन फॉस्फोर्स हैं वो फिजिकली सेपरेबल हैं एक दूसरे से, और ये क्या होते हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉन बीम। तो हर कलर के लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू के लिए अलग अलग जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एनर्जाइज हो रहा है, और क्या, और उसकी इंटेंसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, टू द रेस्पेक्टिव कलर वोल्टेज प्रोड्यूस इन द टेलीविजन रिसीवर। टेलीविजन रिसीवर में जो कलर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी के अनुसार जो है, उसके प्रोपोर्शन में जो है इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी हम लोग वो देख पाते हैं कि वो एनर्जाइज होता है। तो ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस थ्री कोइंसिडेंट रस्टर्स विच प्रोड्यूस रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंटेंट ऑफ द ट्रांसमिटेड पिक्चर। तो ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, तीन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तीन कोइंसिडेंट रस्टर बनाने में, तीन रस्टर्स बनाने हैं। रस्टर्स मीन द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, वी नो दैट। तो हमें तीन कोइंसिडेंट रस्टर्स बनाने हैं, इसके लिए टू प्रोड्यूस रेड,
ग्रीन एंड ब्लू कंटेंट्स ऑफ द ट्रांसमिटेड पिक्चर। हमारा जो ट्रांसमिटेड पिक्चर है उसके जो तीन हमारे कंटेंट हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमें क्या करना है, तीन कोइंसिडेंट क्लस्टर प्रोड्यूस करना है। व्हाइल सीन फ्रॉम अ नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस द आई इंटीग्रेट्स द थ्री कलर इंफॉर्मेशन टू कन्वे द सेंसेशन ऑफ व्यू एट ईच पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो हमारी आंखें जब एक डिस्टेंस से देखती हैं तो क्या क्या होगा, इट इंटीग्रेट्स द थ्री कलर्स इंफॉर्मेशन। ये जो तीन कलर्स इंफॉर्मेशन हमें हमें जो है वो मिलेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा टू कन्वे द सेंसेशन ऑफ व्यू कि क्या कितनी कलर की मात्रा है, कलर्स कितना है, वो उस सेंसेशन को क्रिएट करेगा इन द ईच पार्ट ऑफ द पिक्चर। Based on the gun configuration and the manner in which the phosphors are arranged on the screen, three different types of color picture tubes have been developed. The gun configuration means electron gun. So, हमारा electron gun के configuration के अनुसार, क्योंकि हमें तीन electron gun चाहिए, यहाँ एक electron gun से नहीं होगा। Black and white में हमने देखा था कि हमारे पास एक electron gun जो जो चाहिए था for the creation of the electron beam. बट यहाँ हमें क्या है, डिफरेंट हमें चाहिए, तीन चाहिए, और उनके पोजीशन को कैसे हम उसको लोकेट करेंगे एंड द मैनर इन विच द फॉस्फोर्स आर अरेंज। ये तीन फॉस्फोर्स है, द थ्री डिफरेंट फॉस्फोर्स जो है जो कि रेड ग्रीन एंड ब्लू को डिनोट कर रहे हैं, वो कैसे अरेंज होंगे उस अरेंजमेंट पर डिपेंड कर होता है, और उस डिपेंड करने पर क्या मिल रहा है, हमें तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिक्चर ट्यूब्स मिल रहा है। तो हमने ये जाना कि हमारा कलर टेलीविजन पिक्चर जो है ट्यूब है उसमें जो है हमें तीन तरह के फॉस्फोर्स मिल रहे हैं फॉर द थ्री कलर सिग्नल्स दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू, और ये जो तीन फॉस्फोर्स हैं वो फिजिकली सेपरेबल हैं एंड दे आर एनर्जाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव कलर वोल्टेज प्रोड्यूस इन द टेलीविजन रिसीवर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोड्यूस करना है रस्टर, और उस रस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ड ऑन द गन कॉन्फ़िगरेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोर्स वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिक्चर ट्यूब्स। वो क्या क्या है, वो है डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब, गन्स इन लाइन और प्रिसिशन इन लाइन दैट इज PIL कलर पिक्चर ट्यूब, सिंगल सन और ट्रिनट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब। तो हम लोग जो है टुडेज वीडियो में हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब। ओके, तो डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो दिस ट्यूब वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। इट एम्प्लॉयज थ्री सेपरेट गन्स। क्या क्या है, तो तीन सेपरेट गन है, ऑब्वियसली जो है वो तीनों तीन कलर को डिनोट करेंगे। और क्या है, खूबी क्या इसमें है, ये तीनों जो गन्स है वो 180 डिग्री इंटरवल में जो है इक्वली स्पेस्ड है 180 डिग्री इंटरवल में। तो देयरफॉर इट दे विल फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या है सजाए हुए हैं। एंड द ट्यूब एम्प्लॉयज अ स्क्रीन वेयर थ्री कलर फॉस्फोरस डॉट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स। ओके, तो हम देख सकेंगे, अगर हम देखें पिक्चर, अगर हम फिगर देखते हैं, वेट सी द फिगर, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में क्या हो रहा है, तीन कलर अलग अलग कलर के ग्रीन रेड एंड ब्लू द प्राइमरी कलर्स इलेक्ट्रॉन गन इक्वली स्पेस्ड है 180 डिग्री इंटरवल में। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि एक हमें क्या मिल रहा है, पिक्चर ट्यूब मिल रहा है जहां क्या हो रहा है, इम्प्लॉयज अ स्क्रीन, पिक्चर ट्यूब में क्या है स्क्रीन यूज हो रहा है, वेयर थ्री कलर फॉस्फोर डॉट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स। हम लोग जो कह रहे हैं तीन कलर के रस्टर्स प्रोड्यूस होंगे, वो रस्टर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो एक्चुअली क्या है, जो तीन फॉस्फोर जो जो हमारा स्क्रीन कर रहे हैं वो एक्चुअली डॉट्स है, बहुत सारे डॉट्स हैं जो कि अरेंज हैं, और इस जो अरेंजमेंट है इसको ट्रायड्स कहते हैं। तो हम लोग अब देखें फिगर देखें पता चलेगा ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन हो गया। एंड ये अगर हम अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन गन का जो हम लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन से तीन जो है वो
इलेक्ट्रॉन बी प्रोड्यूस हो रहे हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, एंड ये तीनों इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या हो रहे हैं, एक स्क्रीन को क्या देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जाकर के वो क्या करें स्ट्राइक कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे जो है वो क्या बने हुए हैं, डॉट्स बने हुए हैं। ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, मतलब ये तीन जो कलर्स हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो ये देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये जो है कलर्स जो है वो जहां जहां जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है आके स्ट्राइक करेगा वो उसको उस कलर को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ओके सो हम लोग जो कह रहे हैं फॉस्फोर कोटिंग है वो एक्चुअली जो है वो न्यूमरस डॉट्स हैं। ओके ये डॉट्स हैं। नाउ और क्या है, ईच फॉस्फोर डॉट करिस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स, तो जितने डॉट्स हैं वो एक एक प्राइमरी कलर को डिनोट कर रहे हैं। ट्रायड्स आर, ये जो डॉट्स हैं इसको हमने क्या कहा, इस अरेंजमेंट को क्या कहा, ट्रायड्स। Triads are repeated, repeat हो रहे हैं, and depending on the size of the picture tube, approximately 1 lakh such dots forming nearly 3,33,000 triads are deposited on the glass face plate. इसका मतलब हो रहा है कि numerous dots हैं और वो numerous dots को जो है जब उसमें जो है वो different colors produce होता है red, green and blue, तो हम लोग जो है वो हमारी आईज जो है इंडिकेट करती है और डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं। अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द पिक्चर ट्यूब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द पिक्चर ट्यूब इज लोकेटेड अ थिन परफोरेटेड मेटल सीट नोन एज द शैडो मास्क। द मास्क हैज वन होल फॉर एवरी फॉस्फोर डॉट्स ट्राइड ऑन द स्क्रीन। द वेरियस होल्स आर सो ओरिएंटेड that the electrons of the three beams on passing through any hole will hit only the corresponding color phosphor dot on the screen. तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें कि हमने क्या देखा कि तीन तरह के गन्स हैं, थ्री रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉस्फोर जो स्क्रीन है एक्चुअली वो इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस डॉट्स हैं, और प्रत्येक डॉट जो है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट विल बी ग्रीन रेड और ब्लू। और ये जो हमारा फॉस्फोर स्क्रीन है एंड इलेक्ट्रॉन गन है, इसके बीच में एक मेटल सीट है जिसको हम लोग कह रहे हैं शैडो मास्क, जिससे बहुत होल्स हैं, बहुत सारी छेद बने हुए हैं, होल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन गन से जब बीम जो है वो क्या कर जब वो निकल रहा है तो वो इस तरह से ये शैडो मास्क के जो होल्स हैं वो इस क्यों रहेंगे कि बीम्स विल पास थ्रू दैट होल एंड स्ट्राइक द रिस्पेक्टिव कलर डॉट्स इन द ट्रायड स्क्रीन। तो यहाँ से जो है वो पास करेंगे एंड सी, अगर ब्लू है तो ब्लू को आके जो है स्ट्राइक कर रहा है, ग्रीन है तो ग्रीन को स्ट्राइक कर रहा है, एंड रेड है तो रेड को स्ट्राइक करेगा, एंड दे विल प्रोड्यूस द थ्री कलर्स। ओके सो दिस इज द शैडो मास्क, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द शैडो मास्क। ये कहाँ लोकेटेड है, तो जस्ट बिहाइंड द 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द ट्यूब स्क्रीन। ओके नाउ ओके वी विल डिस्कस the rest part of the display tube in the next video. Okay, so student, stay tuned and go through the next lecture. Okay, thank you.